हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे आई एम डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9 केमिस्ट्री। आज कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि क्लास 9 के केमिस्ट्री का है। और स्टूडेंट वो थोड़ा आज लाइटनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, जो कि लाइट लगातार कट रहा है तो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ब्लैकिंग सा होगा, पहले के जैसा ब्राइटनेस नहीं होगा। वैसे कोई बात नहीं, आपको बोर्ड पूरा क्लियर नजर आ रहा है तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। और वैसे भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और जो बोर्ड है वो क्लियर नजर आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट के मन में चाहत होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो ये लाइट वाइट कोई बहुत मायने नहीं रखता। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इवेपोरेशन से रिलेटेड। फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट डे मैं आपको ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ाऊंगा और कुछ एनसीईआरटी कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आज टाइम आ गया है कि कुछ न्यूमेरिकल तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने अभी पढ़ा है, अब जरा इसको हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन है, Why does a desert cooler cool better in a hot dry day? जो desert cooler होता है, desert cooler कहने का, desert का मतलब क्या? रेगिस्तान, ठीक है? तो रेगिस्तान में जो cooler होता है, cooler कोई सा भी cooler, cooler आप जानते होंगे कि उसको हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं cold air के purpose से, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आए उसके लिए cooler इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में तो वो भी नहीं था, पंखा भी नहीं था, लोग ऐसा ही अपनी जिंदगी गुजार देते थे। अब तो पंखा है, कूलर है, एयर कंडीशनर लोग लगा लेते हैं, अलग अलग चीजें। तो खैर चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो डिजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे में क्यों ज्यादा कूल करता है, मैं इसके पीछे कारण बताता हूं। तो देखिए, जहां तक बात है हॉट और ड्राई डे के बारे में, तो हॉट और ड्राई डे में ना एयर में वाटर वेपर नहीं होता है। अगर हॉट और ड्राई डे के बारे में बात किया जाए, हॉट एंड ड्राई डे, तो हॉट एंड ड्राई डे में ना एयर में वाटर वेपर नहीं होता है। इट मींस एयर डजंट कंटेन मॉइस्चर इन हॉट एंड ड्राई डे। हॉट और ड्राई डे के बारे में आप बोल सकते हैं कि इसमें एयर में वाटर वेपर मॉइस्चर नहीं होता है। तो वाटर वेपर एयर में नहीं है, तो जैसे मान के चलिए कि ये एयर का पार्टिकल है, दिस इज द पार्टिकल ऑफ व्हाट? एयर। तो ये आपको एयर का पार्टिकल हो गया, ठीक है? तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, रेनी डे में, मतलब बरसात के दिन में, एयर के पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देख रहे हो, इस स्पेस में आ जाता है क्या? वाटर वेपर। इस स्पेस में क्या आ जाता है? इस स्पेस में आ जाता है वाटर वेपर, मतलब H2O का गैस, है ना? तो नॉर्मल डे में क्या होता है, मतलब रेनी डे में, कि एयर के जो पार्टिकल्स है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या आ जाता है? वाटर वेपर आ जाता है। तो वाटर वेपर के होने की वजह से क्या होता है, अब देखिए मेरी बात को समझिए। मान के चलिए यहां पर कूलर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? तो यहां पर लगा हुआ है कूलर, ठीक है? एक मशीन लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, ठीक है? आप बिजली का कनेक्शन दिए, कूलर का ब्लेड मोटर चलना शुरू हुआ। होता है क्या, कूलर को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपके घर में कूलर होगा तो कूलर के साइड में आप देखिएगा एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें वाटर डाल जाता है, पानी। और कूलर क्या करता है कि कूलर इवेपोरेशन के मेथड पे वर्क करता है। जब कूलर से जब हवा आगे की तरफ निकलता है ना स्टूडेंट, एयर विंड जब आगे की तरफ निकलता है, फास्ट मूविंग एयर, मतलब विंड जब आगे की तरफ जाता है, तो उसके साथ साथ कुछ कुछ वाटर वेपर भी उसके साथ, सॉरी, कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी उसके साथ साथ बाहर जाता है। मतलब समझिए ये कूलर का ब्लेड है, कूलर का ब्लेड चल रहा है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि कूलर में जो पानी है वो भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ साथ जाता रहता है। कूलर के सामने बैठिएगा ना, तो कूलर से जो ठंडा ठंडा हवा आता है, तो कभी कभी हल्का हल्का वाटर ड्रॉपलेट्स भी आपके फेस पे पड़ जाएगा। इसका मतलब कूलर के हवा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्या ट्रांसपोर्ट होता रहता है, वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स। तो वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और कूलर का जो कोल्ड एयर हम तक जो आता है वो तो एटमोस्फेरिक एयर होते हुए आता है। तो अगर मान के चलिए एटमोस्फेरिक एयर ड्राई है, अगर एटमोस्फेरिक एयर ड्राई है तो वो कूलर के कोल्ड एयर को इजीली क्या कर लेगा, अपटेक कर लेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में स्पेस रहता है। लेकिन मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, इट मींस बरसात का दिन है और एयर ड्राई नहीं है, एयर वेटेड हो गया, एयर मॉइस्चर से भर गया, अब जो कूलर से जो ठंडा हवा आएगा वो हम तक ठीक से नहीं आ पाएगा। क्यों? अब सोचो ना, यहां पर मैं और आप हूं, यहां पे बीच में एक दीवार खड़ा कर देते हैं, तो मेरे और आपके बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा,
मॉइस्चर वाले दिन ऐसा ही होता है, मॉइस्चर वाले दिन में मतलब बरसात के दिनों में एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कूलर का जो ठंडा हवा है वो हम तक नहीं आ पाएगा, वो बीच में ना रुकेगा, इनहिबिट होगा, आएगा तो लेकिन रुक रुक के आएगा, कम कम आएगा, टकराएगा मॉइस्ट एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उससे कूलर का जो कोल्ड एयर है वो टकराएगा, वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। तो इसका मतलब है कि बरसात के दिनों में कूलर ठीक तरीके से रूम को कूल नहीं कर सकता है, लेकिन हॉट एंड ड्राई डे में कर सकता है। क्यों? क्योंकि हॉट एंड ड्राई डे में एयर में तो वाटर वेपर नहीं है, एयर पूरा खाली है, तो खाली है तो कूलर का जो कोल्ड एयर है वो हम तक आ सकता है, इसीलिए कूलर आसानी से कूल करता है रूम को हॉट एंड ड्राई डे में। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द वाटर केप इन अर्थन पॉट। अर्थन पॉट को क्या कहते हैं, मटका, ठीक है, कूल ड्यूरिंग समर, मतलब गर्मी के दिनों में मटके में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा रह जाता है। किसी के भी दिमाग में सवाल आया कि भाई मटके में पानी रखा क्यों ठंडा रहता है, इसके पीछे जवाब ये है कि जहां तक बात है मटका का, इट मीन्स अर्थन पॉट का, तो अगर आप अर्थन पॉट इट मीन्स मटका को देखोगे स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, देखिए मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए कि ये क्या हो गया, ये हमारा मटका हो गया, इट मीन्स अर्थन पॉट। चलिए ओके, तो जहां तक बात है अर्थन पॉट का, तो अर्थन पॉट मटका में जो हम लोग वाटर डालते हैं, तो अब अर्थन पॉट में वाटर डालने पर पानी क्यों ठंडा रह जाता है, किसी को दिमाग में सवाल आएगा क्यों, मैं आपको बताता हूं। तो मटका किससे बनता है, मिट्टी से बनता है, ठीक है, मिट्टी से शेप देते हैं और फिर उसको पकाया जाता है आग में, तब जाकर के मटका बनके तैयार होता है। तो मटका को अगर डीपली स्टडी किया जाए तो मटका इट मीन्स अर्थन पॉट, अर्थन पॉट में ना छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स होता है जो हम लोग को नजर नहीं आएगा लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखेगा। तो अर्थन पॉट में ना छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स होता है, पोर्स का मतलब होता है छेद, छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक। तो होता है क्या कि अर्थन पॉट के सरफेस पे छोटा छोटा क्या है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, उस माइक्रोस्कोपिक पोर्स से क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट मटका के अंदर से निकल करके मटका मतलब अर्थन पॉट के सरफेस पे आ जाता है। तो अब पानी अर्थन पॉट से निकल करके आ गया है अर्थन पॉट के सरफेस पे, हल्का हल्का आप देखिएगा मटके में, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक मटका है यहां पर, देखिए ये मटका है, आप देख सकते हैं यहां पर, आप देखिएगा इसका अभी तो लाइट चूंकि कटा हुआ है यहां पर, तो आप देखिए इसका सरफेस थोड़ा आपको गीला मिलेगा, ठीक है। अब बोलेगा सर ये ब्लैक क्यों है, तो जब इसको कुम्हार जब पका रहा होगा आग में तो उसके वजह से ये ब्लैक हो गया। तो अर्थन पॉट देख रहे ना, इसका सरफेस थोड़ा गीला है ना, तो इस क्योंकि इसके अंदर अभी आपको कर्ड है, दही रखा हुआ है, तो सोचिए कर्ड रखने पर भी इसका सरफेस बाहर से क्या हो गया, गीला हो गया, जानते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर से पानी माइक्रोस्कोपिक पोर्स से आ गया किस पर, सरफेस पर आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब क्या होता है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, तो मटके से पानी हल्का हल्का माइक्रोस्कोपिक पोर्स से थोड़ा थोड़ा निकल करके सरफेस पे आ जाता, पूरा नहीं निकलेगा, हल्का हल्का। अब वो वाटर ड्रॉपलेट हल्का हल्का सरफेस पे है, और वो वाटर ड्रॉपलेट जैसे ही सरफेस पे आता है ना, तो वाटर ड्रॉपलेट क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, वेपर बन जाता है। अब एक बात बताइए, वाटर को वेपर बनाने के लिए हीट कौन दिया, तो अर्थन पॉट का सरफेस, क्योंकि अर्थन पॉट का सरफेस वाटर को वेपोराइज करने के लिए हीट देता रहता है, जिसकी वजह से अर्थन पॉट का सरफेस क्या होता है, ठंडा हो जाता है। देखिए हम अपने पाम पे अगर पेट्रोल रखेंगे तो पेट्रोल गायब हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो पेट्रोल को वेपर बनाने के लिए हीट कौन दिया, मेरा पाम, इसलिए मेरा पाम ठंडा हो जाता है। तो जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स अर्थन पॉट के सरफेस पे आया ना, तो वाटर वेपोराइज करके एटमॉस्फेयर में चला गया, लेकिन वाटर को वेपर में बनाने के लिए लैटेंट हीट कौन दिया, अर्थन पॉट का सरफेस, इसलिए अर्थन पॉट का सरफेस ठंडा हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन काउजिंग कूलिंग, जिसकी वजह से अर्थन पॉट के अंदर रखा हुआ पानी भी ठंडा रहता है। ये था इसका जवाब, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।